आज मैं आपके लिए चने की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आप चिकन मटन को खाते हैं तो उसे खाना भूल जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपके अपने चैनल नीटूज होम वर्ल्ड में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, मुझे सपोर्ट जरूर करें। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस चने की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूखे मसाले लेंगे। 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा, पत्थर फूल, लौंग, दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची, लहसुन की कलियां, काली मिर्च। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। प्री हीटेड कुकर में 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और ये सारे सूखे मसालों को हम डाल देंगे सिवाय लहसुन के। पहले हम इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां। ये खड़े ही हमें डालना है। बहुत ही अच्छा टेस्टी सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल चिकन मटन से भी ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा। 2 मीडियम साइज का स्लाइस कटिंग किया हुआ प्याज, अब इसको थोड़े सा भून लेंगे और इसको ट्रांसलूसेंट होने तक इसे कुक कर लेना है। तो अभी हमने फ्लेम को हाई रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अब हमने लिया है 2 मीडियम साइज का टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और इस तरीके का फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और प्याज में इस तरीके से हम पेस्ट को डाल देंगे और अच्छे से हम भून लेंगे। जार में जो टमाटर बचा है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम डाल देंगे और अच्छे से दोबारा से कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक को डालते के साथ में हम इसे ढक देंगे और 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर हमने कुक करना है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुकी है, आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए यहाँ पर हमने फ्लेम को लो रखा है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और अब मैंने लिया है चना मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैंने 1.5 छोटी चम्मच चना मसाला पाउडर डाला है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च को भी पेस्ट बनाकर डाला था इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर कम डाला है। अगर चना मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह पर गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब 1/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब इसे हम फिर से मिला लेंगे और मसालों को एक बार चेक कर लेंगे कि ये कितना कुक हो चुका है। मसाले बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें ओवरनाइट सोक किए हुए 1 कप चना डालेंगे। तो ये काली वाली चना है। अब इसको अच्छे से मसालों के साथ कोट करेंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें 1.5 कप पानी डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि पानी में मसाले चना अच्छे से घुल सके। उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए उबाल आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी का पत्ता 1 टेबलस्पून। तो ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर इसको डालें। प्रेशर कुकर की लिड को लगा देंगे और 4 विसल आने तक का वेट करते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 सीटी आ चुकी है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। आइए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है कुकिंग ऑयल, ये आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाला है मैंने और इसमें अब हम डालेंगे हींग, बहुत ही अच्छा बेहतरीन फ्लेवर आता है। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे तड़का लगा देंगे अपने चने वाले रेसिपी में। तो एक बार तो ट्राई करना ज़रूर बनता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आइए अब सर्व करते हैं। इसको आप रोटी, नान, पूरी, चपाती, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको अब मैं अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च के स्लाइसेस से गार्निश कर रही हूँ। आई होप मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।